दोस्तों आज हम ऐसे बिजनेसमैन लोगों से मिलाने वाले हैं जिनका दिमाग कुछ अलग ही लेवल का है। बिजनेस देख, खेत है, खेत में खुदवा दे तू तालाब, तालाब में डाल दे क्या बोलते हैं मछली, और उसके ऊपर में बना दे जाली वाला घर, उसमें रख दे मुर्गा, मुर्गे लोग खाएंगे तो मछली लोग खाएंगे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ठीक है। और पशुपालन में गाय पालन रख ले बगल में, और गाय लोग हगेंगे तो उसमें जो कीड़ा बनता है उसको मुर्गी लोग खाएंगे, और मुर्गी लोग हगेंगे उसको मछली लोग खाएंगे, और मछली को इंसान लोग खाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, और इंसान लोग जो हगेंगे उसको हम अपने खेत में हगवाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? वो खेत सुअर लोग खाएंगे, और उसी सुअर को हम लोग काट के फिर बेचवा देंगे तो उसको इंसान लोग खाएंगे। सर्कल है सर्कल, और इस सर्कल से हम लोग पैसा कमाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा सब्जी बेचना तो कोई इनसे सीखे। अरे दिल का दौरा पड़ रहा है या फिर मिर्गी आ रही है? जब एक बिजनेसमैन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है। तुम इतने प्रिपेयर्ड हो, फिर अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? सारे इंटरव्यूज में मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी जबान तेज चलती है इसीलिए मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। हर सवाल का जवाब एक हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर, अगर मेरे पास सवाल के 3 जवाब हैं तो आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आप उसे कोई भी सवाल कीजिए, आपको मैं उसके 3 जवाब दूंगा सर। ओके, ये फंस गया सी है। तुम्हारे पिताजी का नाम? अब इन बिजनेसमैन भाई को देखिए जिन्हें एक लड़की फंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा भैया सुनो, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ तो ये सारे कुत्ते मुझे दे दोगे? रुको जरा, सबर करो। नहीं दोगे? ये भुट्टे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझसे। हमारे भारत देश में बिजनेसमैन की कमी थोड़ी ना है। इन मैडम को देखिए जो कि कबाड़ का धंधा करती थी लेकिन अभी तक भूली नहीं है। आ लो, कुर्ता लो, पजामी लो, सलवार लो, सोर वे। कबाड़ी वाला भी, कबाड़ी वाले। अब मिल लीजिए इन मैडम से भी जो कि सब्जी ले रही हैं। ये लगा देना, ये भी, और खीरे सही से लगा दे। आपको नहीं लगता ज्यादा बड़ा है ये? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे।